हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम करण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं आप सभी के लिए आज फिर लेकर आया हूं एक विंग्स फोटो एडिटिंग। तो गाइस इसका जो जितना भी बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना क्या है, कुछ बैकग्राउंड को पहले नीचे जाकर डाउनलोड करना है। ठीक है, पहले आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को करना क्या है, इसको डाउनलोड कर लेना है वीडियो को देखने के बाद। एंड गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं पहले अपने मॉडल को ले आता हूँ। ठीक है एंड गाइस मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रिस्क कर रखा ताकि गाइस आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, जिसको बैकग्राउंड रिस्क करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो लिंक दे रखी है, दोनों मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि बैकग्राउंड कैसे रिस्क करते हैं। तो गाइस आप जाकर वीडियो को देखिए एंड गाइस आप सिंपली जाकर रिस्क कर लीजिए। ठीक है गाइस, सो गाइस मैंने अपने मॉडल को लिया हूं यहां पे। ठीक है एंड गाइस मैं इसको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है एंड साइज को आप गाइस अपने आप से एडजस्ट कर लेना। एंड गाइस पोज एंड जो भी आपके आपके ऊपर आप कैसा पोज देना चाहते हैं गाइस, आप चाहे तो सेम पोज भी दे सकते हैं। तो गाइस पहले मैं अपने मॉडल को सिंपली इस तरीके से थोड़ा साइज को बढ़ा के इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है एंड गाइस इसमें हमें गाइस इसमें शैडो बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, इसमें थोड़ा मैंने बैकग्राउंड ढंग से रेज नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ गाइस। ठीक है क्योंकि गाइस टाइम बहुत हो गया था गाइस, तो मैं बैकग्राउंड ढंग से रेस कर नहीं पाया। तो गाइस मैंने फटाफट में ऐसा रेस कर दिया। ठीक है एंड गाइस उसके बाद क्या करना है आप सभी को गाइस, दोबारा से एक विंग्स का पीएनजी लेना है। ठीक है गाइस एड फोटो में जाके एंड गाइस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके सिंपली डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद। सो गाइज आप सभी को इसमें एक व्हाइट और एक ब्लैक पीएनजी दिख रहा है। तो गाइज इसमें आप सभी को करना है कि क्रॉप में जाना है एंड गाइज व्हाइट वाले पीएनजी को सिर्फ लेना है। ठीक है गाइज व्हाइट वाले को लेना है एंड कर लेना डन। ठीक है एंड इसके साइज को आपको इस तरीके से बड़ा करना है एंड गाइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आपको कहाँ पे सही लग रहा है। तो गाइज इस तरीके से आपको लेना है। ठीक है एंड गाइज इसके बाद आप सभी को करना है कि अपने मॉडल को ऊपर एक बार क्लिक करना है एंड गाइज ये आपको साइड में आइकन पे जाना है एंड गाइज आपको इसको अप कर देना है। ठीक है सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसको अप कर देना है। ठीक है एंड दोबारा से आपको गाइज अपनी विंग्स को टच करना है एंड गाइज डबल डुप्लीकेट कर देना है इसे। ठीक है एंड गाइज आपको नीचे रोटेट में जाना है एंड गाइज को साइड में कर देना है। ठीक है इस तरीके से एंड गाइज उसके बाद आपको इसको पकड़ के इस तरह इधर लाना है। ठीक है एंड अगेन आप सभी को अपने मॉडल को टच करना है। ठीक है गाइज उसी तरीके से सेम प्रोसेस वही करना है हमें एंड गाइज इसको अप कर देना है। ठीक है गाइज एंड गाइस सिंपली आप सभी को यहाँ तो हमारी विंग्स भी लग चुकी है। तो गाइस अब आप सभी को करना क्या है, यहाँ से कर लेना सिंपली डन। ठीक है गाइस एंड गाइस उसके बाद आप सभी को करना क्या है, अब एक लगाना नीचे स्मोक। ठीक है गाइस जो कि हम लगाएंगे एड फोटो में सही। ठीक है गाइस एंड एड फोटो कहाँ चला गया भाई। सो गाइस एड फोटो में हम आ गए। ठीक है गाइस एंड इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्मोक का। तो गाइस आप जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गाइस हम पीएनजी को ले आए। तो गाइस इसका हमें ब्लेंडिंग मोड गाइस हमें स्क्रीन रखना है। ठीक है गाइस इस तरीके से हम इसको स्क्रीन कर लेते हैं एंड गाइस उसके बाद आप सेव करने के इस तरीके से आपको उसको जूम कर लेना है। ठीक है जूम करने के बाद ऐसे गाइस साइड में ऐसे लगाना है। ठीक है एंड उसके बाद गाइस इसको भी हम डुप्लीकेट करेंगे। तो गाइस पहले मैं इसको पहले परफेक्टली सेट कर लेता हूँ। ठीक है एंड गाइस को हम करेंगे डुप्लीकेट। ठीक है एंड रोटेट में जाएंगे एंड गाइस को हम करेंगे साइड में। ठीक है गाइस एंड गाइस हम सिंपली इसको लेकर आएंगे इस तरीके से एंड गाइस हम इसको ऐसे यहाँ लगाएंगे। ठीक है गाइस एंड गाइस कर लेंगे सिंपली डन। ठीक है गाइस एंड अब गाइज हमारा एक काम और रह गया हमें जो कि हमें करना है गाइज ड्रो टूल के अंदर। तो गाइज चलते हैं हम ड्रो टूल में जाने के बाद गाइज आप सभी को करना क्या है, आपको गाइज इनमें जाना है। ठीक है एंड उसके बाद गाइज आपको ये गोले वाला ये सर्कल वाला सिलेक्ट करना है एंड गाइज कर लेना ओके। एंड गाइज कलर आपको वाइट सिलेक्ट करना है। ठीक है वाइट कलर एंड कर लेना डन। ठीक है गाइज एंड इसको आपको अपने हेयर के पास बनाना है। ठीक है गाइस सो इस तरीके से आप सभी को पहले से प्रेस करके इस तरीके से लाना है। ठीक है एंड इसको आपको ऐसे लगाना है। ठीक है एंड साइज़ को आप अपने हिसाब से देख लेना गाइस, ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा भी मत रखना एंड करना सिंपली टैप। ठीक है गाइस एंड ये हमारे यहाँ पे लग गए। तो
तो गाइज अब हमारी बात आती है कलर करेक्शन की, जो कि हमें करना है लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइज हम फोटो करते हैं सेव एंड चलते हैं बैक एंड चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। गाइस ऐड फोटो में जाके हम पहले अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ऑल फोटोज़ में चलते हैं, ठीक है। एंड ऑल फोटोज़ में जाने के बाद गाइस हम अपने फ़ोटो को ओपन करना है, ठीक है। सो मैंने इसको ओपन कर लिया है। एंड गाइस इसके बाद हमें आप सभी को लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है, ठीक है। एंड हाईलाइट्स को भी हम हाईलाइट्स का माइनस कर लेते हैं, ठीक है। एंड शेडो को माइनस, ठीक है। एंड वाइट को बढ़ाएंगे, ठीक है। वाइट को बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड ब्लैक को तो हमेशा की तरह कम ही रखना है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ब्लैक ही है, तो ब्लैक कम करेंगे। एंड गाइस जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में, सॉरी गाइस इसमें कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। एंड गाइस वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। एंड जाएंगे मिक्स में, मिक्स में जाने के बाद गाइस रेड कलर के ह्यू को हम बढ़ाएंगे, सॉरी गाइस कम करेंगे, ठीक है। एंड ऑरेंज वाले में जाएंगे, सेचुरेशन को कम करेंगे, ठीक है गाइस। एंड ल्यूमिनस को बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे तो हमारा ये हो चुका है, और बाकी कलर छिड़ने की जरूरत नहीं है हमें। तो गाइस यहाँ से हम सिंपली कर लेते हैं डन, ठीक है। एंड चलते हैं नीचे वाले टूल में, ठीक है। क्लियरिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो विग्नेट है हमारा, विग्नेट को हम कम करेंगे ताकि साइड में ब्लैक ब्लैक आ जाए। एंड गाइस मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, ठीक है। एंड फैदर को 100 प्लस बढ़ा देंगे, एंड रोडनेस को भी 100 प्लस बढ़ा देंगे। एंड गाइस जाएंगे नीचे वाले टूल में, एंड फोटो के शार्प को बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड नॉइज रिडक्शन को बढ़ाएंगे, एंड कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। सो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं यार आपको। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप सभी को यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जाके मुझे फॉलो जरूर करना। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।